हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है राइड पर रहते हैं और चेक पोस्ट पर हमें रोक लिया जाता है। हम कहीं जाते हैं, रोक लिया जाता है और वो जो है हमसे बाइक की RC और बाइक अपना जो है DL मांगता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हो या फिर इन्फोर्समेंट वाले हो, कोई भी अगर कहीं रोकता है चेकिंग के दौरान, तो हमसे जो है सबसे पहले वो बाइक की RC और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। जो कि दोस्तों, अगर उस समय रहता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि निकाल के जो है वॉलेट से अपने निकाल के उनको दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार जो है हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस या RC को साथ नहीं रख पाते, हमेशा जो है हम अपने पास नहीं रख पाते, जिस वजह से कई बार ये होता है कि कई बार अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें रोकता है, तो उस समय अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो है वो नहीं दिखा पाते। और फिर जो है हम अपने घर पे फ़ोन करके उसका जो है फ़ोटो WhatsApp पे मंगवाते हैं, उसे जो है हम पुलिस वाले को या फिर ट्रैफिक वाले को या फिर इन्फोर्समेंट वाले को जो है दिखाते हैं, और वो जो है उस चीज़ को नहीं मानते कि भैया कोई WhatsApp पे जो है किसी का RC या फिर DL दिखाए, कोई कि गाड़ी उसी का है या उसके रिलेटिव में किसी का है। तो इस चीज़ को जो है पुलिस वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि WhatsApp पर जो है अगर आप फ़ोटो दिखाते हो या फिर आप अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हो, खींचा गया फ़ोटो आप क्लिक करा हुआ फ़ोटो अगर आप दिखाते हो, तो पुलिस वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी का भी RC लेके और कोई भी जो है फ़ोटो क्लिक कर सकता है, और किसी का भी RC लेके जो है कोई भी बंदा अपना किसी को भी WhatsApp कर सकता है। तो इस वजह से जो है पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर इन्फोर्समेंट वाले जो है उस चीज़ को नहीं मानते और आपका जो है फिर चलान काट देते हैं, कि डॉक्यूमेंट ना दिखाने की वजह से जो है आपका चलान कटा, और कई बार जो है वो बाइक भी जब्त कर लेते हैं। और फिर जो है जिसके नाम पे बाइक होता है उसको जो है थाने जाकर और बाइक को छुड़वाना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं दोस्तों आप सबके लिए जो है ये वीडियो लाया हूँ, आप सभी राइडर्स भाई के लिए जो है ये वीडियो मैं बनाया हूँ, कि इससे जो है आप सभी को, इस वीडियो को देखोगे तो अब से जो है आप सभी को DL RC रहे या फिर ना रहे, आपके पास आपके वॉलेट में आप कहीं भी जा सकते हो, और आपको अगर कहीं रोकता है उस समय अगर आपके पास DL RC नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने फ़ोन में ही दिखाओगे, लेकिन वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। तो किस तरीके से करना है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना। तो दोस्तों, DigiLocker नाम का जो है एक एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यानी सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर रखा है कि इस पे जो है कोई भी अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, तो वो जो है चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला हो या फिर इन्फोर्समेंट वाला हो, उसको मानना होगा, और वो जो है उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो किस तरीके से आपको DigiLocker को यूज करना है और किस तरीके से जो है आप उसमें अपना RC और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को जो है आप पूरा कंप्लीट देखना। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबको मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से जो है आप DigiLocker को यूज़ कर सकते हैं और अपना RC और DL जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, मैं आ गया अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। DigiLocker नाम है इसका, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है सिंपली आपको जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है ये ओपन होगा और कुछ ये इस तरीके का जो है इसका इंटरफेस है। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू इंग्लिश आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से आपको नेक्स्ट पे और लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से जो है आपको एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का, उस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। अब आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, साइन इन, क्रिएट अकाउंट। तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप जो है एक नया अकाउंट बनाओगे। क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे जो है यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, जो कि फुल नेम जो आपके आधार कार्ड पे है, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके आधार कार्ड पे है, जेंडर, मोबाइल नंबर
और आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एक डालना है, जिसके थ्रू जो है आप इसमें दोबारा लॉगिन कर सकते हो अगर आप कभी लॉग आउट करते हो तो। और एक ईमेल आईडी डालना है और आधार नंबर डालना है, जिसका आरसी या लाइसेंस निकालना उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना है, उसी के नाम से आईडी बनेगा। तो उसी का जो है आपको पूरा यहाँ पर डाल देना है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर जो भी मांगा गया है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं जो है फटाफट से ये पूरे डिटेल्स जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं सबमिट पे क्लिक करके और आपको बताता हूँ कि इसके बाद जो है क्या करना है। तो दोस्तों आप जैसे ही जो है सबमिट पे क्लिक करोगे, आपको पहले एक बार पूरा चेक कर लेना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो है मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर दिया है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद जो है आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो मैंने ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिया और अब जो है मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपसे एक यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम और दोस्तों वहाँ पर जो एक पासवर्ड बता रहा था, ये दोनों डाल के जो है आप लॉगिन कर सकते हो। तो यूज़र नेम आपको यूनिक रखना है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल ना हो, और वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है एक नेम, तो ये जो है बता रहा है यूज़र नेम विल बी सेट टू और आगे नाम आ रहा है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा हुआ आ रहा है और ये यूज़र नेम जो है अभी एक्टिव है। इसके बाद जो है आप सीधा जो है लॉगिन हो जाओगे इस एप्लीकेशन में, और आपको क्या करना है सर्च बार पे क्लिक करना है, नीचे जो दिख रहा है आपको अपना आरसी या डीएल डाउनलोड करने के लिए। सर्च बार पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको आरसी लिखना है। आरसी अब जैसे लिखोगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है अपना आरसी डाउनलोड करने के लिए। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर जो है आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, यानी आपके बाइक का नंबर क्या है। जैसे बाइक का नंबर होता है ना DL8SDC ऐसे होता है, वो नंबर आपको जो है यहाँ पर डालना है अपने बाइक का नंबर। और उसके नीचे जो है आपको चेसिस नंबर डालना है, जो कि आपके जो ओरिजिनल आरसी है या फिर आपका जो इंश्योरेंस है उस पर लिखा हुआ होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ डाल के जो है इसके बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। आपको चेसिस नंबर पूरा जो है सही से डालना है, पूरा कैपिटल लेटर होना चाहिए, और बाइक का भी जो आपका नंबर है वो भी पूरा कैपिटल नंबर होना चाहिए। आप गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फैचिंग लेगा, और फैचिंग लेके जो है ये आपका डॉक्यूमेंट जो है सर्वर से फाइंड करके और आपके पास जो है ये दे देगा, यानी सर्वर से निकाल के ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दे देगा। ये आप देख सकते हो नीचे जो है डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको देखने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है व्यू, शेयर, PDF, डाउनलोड XML, डाउनलोड JSON, रिफ्रेश, डिलीट, और इसके डिटेल्स भी निकाल सकते हो। तो आपको देखने के लिए क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। अब व्यू पे क्लिक करोगे तो आप जो है अपना जो आपका आरसी है उसको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें आपको पूरा डिटेल्स जो है मिल जाएगा, आपके इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा, और यहाँ से जो है आप इसको शेयर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर हमें इसको PDF में डाउनलोड करना हो तो क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू एंड PDF पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप एक डाउनलोड का बटन देख सकते हो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो ये आरसी है वो PDF में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप अपना DL, आधार कार्ड, वो सभी चीज़ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसको आप जैसे ही बंद कर दो, जैसे आप मान लो कहीं पे आपको पुलिस वालों को दिखाना है, तो आप किस तरीके से दिखाओगे, आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद जो है नीचे आपको इश्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है इशू, तो इशूड पे आप जो क्लिक करना है, और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं वो सभी जो है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आधार कार्ड निकाला, और उसके बाद जो है मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाला था, यानी आरसी निकाला था, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अगर मैंने DL भी निकाला होता तो DL भी आ जाता। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं और वो वैलिड रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो जो है आपको मिलती रहे।